तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल दा सोडी लापता हो गया। दस दिए कि चार दिनों तो सोडी लापता चल रहा है। दिल्ली पुलिस जांच दे विच लगी हुई है ते सीसीटीवी फुटेजेस वे खंगाले जा रहे ने। दस दिए कि पालम इलाके दी सीसीटीवी फुटेज दसी जा रही है। सीसीटीवी दे विच गुरचरण सिंह नजर आए ने। सोमवार तो गुरचरण सिंह लापता ने। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। 2 अप्रैल में मुंबई के लिए घरों निकले सी ते इसी दौरान वह लापता हो गए। 2 दिनों तो उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे। जिस तो बाद उन्होंने पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस के वलों जांच पड़ताल की गई। पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही है। सारे कैमरे खंगाले जा रहे हैं तो एक जी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के वलों देखी गई है, सामने भी आई है। पालम इलाके की यह सीसीटीवी दसी जा रही है जिस गुरचरण सिंह नज़र आए हैं तो पुलिस लगातार मामले की जांच के विच जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस भाल कर रही है। सीसीटीवी भी पुलिस के वालों खंगाले जा रहे हैं। 50 साल के ने तारक मेहता के उल्टा चश्मा फेम गुरचरण सिंह तो यह सवाल इतने वड्डा खड़ा होंगे कि अचानक कितों कितने गुरचरण सिंह लापता हो गए, क्योंकि घरों निकले से मुंबई जाने के लिए पर वो मुंबई पहुँचे नहीं, लापता हो गए। 4 दिनों तो मिसिंग चल रहे हैं, लापता चल रहे हैं। 2 दिनों तो उन्होंने मोबाइल फोन भी दसिया जा रहा है कि स्विच ऑफ है। जिस तो बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, सीसीटीवी चेक कर रही है। तो सीसीटीवी एक सामने भी आया जो कि पालम इलाके का दसिया जा रहा है। दिल्ली के पालम इलाके का यह सीसीटीवी है जिस गुरचरण सिंह नज़र आए हैं तो दिल्ली पुलिस मामले की जांच के जुटी हुई है। दस दिए कि पुलिस के वलों कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता के नाल जांच पड़ताल कर रही है। तो वड्डा सवाल इतने खड़ा हो रहा कि अचानक कितने गुरचरण सिंह लापता हो गए, क्योंकि वह घरों ये कह के निकले से कि वह मुंबई जा रहे हैं। मुंबई के लिए वो घरों निकले से पर मुंबई नहीं पहुँचे तो इस दरमियान वो लापता हो गए। तो हुण पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुरचरण सिंह दे पिता दे वल्लों गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दिल्ली पुलिस गंभीरता दे नाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो दिल्ली पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी भी लगी है। दिल्ली के पालम इलाके का यह सीसीटीवी दसिया जा रहा है जिस दे विच गुरचरण सिंह नूं देखा गया। तो गुरचरण सिंह 4 दिनों तो लापता चल रहे हैं। सोमवार तो गुरचरण सिंह लापता ने। तो दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता के नाल जांच पड़ताल कर रही है। हुण दिल्ली पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी लगी है तो इस सीसीटीवी दे विच गुरचरण सिंह नूं देखा गया। दिल्ली के पालम इलाके का यह सीसीटीवी दसिया जा रहा है। गंभीरता के नाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दस दिए कि गुरचरण सिंह जो कि सोमवार को घरों निकले से मुंबई के लिए वह निकले से पर वह मुंबई नहीं पहुँचे, इस दरमियान वो लापता हो गए तो कितने गए है वड्डा सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस भी लभ रही है। गुरचरण सिंह के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो यह भी दसिया जा रहा है कि 2 दिनों तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ है, उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, उन्होंने कोई खबर नहीं है कि आखिर वो कितने गए। तो हुण पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पूरे मामले की गंभीरता के नाल जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज एक सामने आई है। दिल्ली के पालम इलाके का यह सीसीटीवी दसिया जा रहा है जिस दे विच गुरचरण सिंह नूं देखा गया। तो मामले की गंभीरता के नाल जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस मामले दे विच जांच हुण होर तेज़ कर दी गई है। दस दिए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा दे सोडी जो कि 50 साल के ने अचानक लापता हो गए तो हुण दिल्ली पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।